एक पहला कर ले दोस्तों, आप लोगों के नाम स्लेवी रसन हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए। 40 मिनट हुआ, ना भीड़ लगा है ना मार्केटिंग हुआ है उस टाइप से, मतलब हल्का फुल्का। मेरा मुझे कमेंट किए हैं कि मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं तो ग्राहक उनसे इस टाइप से ऐसे बात कर रहे हैं। भाई मेरे दुकान में जितने कस्टमर भी आते हैं ना, हाँ भैया जी भैया, हाँ भैया जी भैया, इसके अंदर कुछ भी नहीं भाई, बदनाम ही करना है भाई ना, तो ऐसे भी बदनाम मत करो यार दुकान के नाम पर भाई, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है भाई कुछ, इतना भी बदनाम मत किया करो। ओ भाई वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एचके सोनी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो दोस्तों। आज है फिलहाल में 11 तारीख, और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हो, जो लाल वाला घंटा है ना भाई, उसको जरूर दबा दे, मतलब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके बताना की आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगती है। और मसाला ना अभी ना कुछ हफ्तों से ना मैं लकड़ी वाले में भूज रहा हूँ, ये देखिए लकड़ी वाले भट्टे में, और पापा काट रहे हैं अभी प्याज भाजी। वाह भाई प्याज भाजी बनेगा आज। और मम्मी झाड़ू लगा रही है, झाड़ू पोछा बोल माँ, झाड़ू पोछा जिंदाबाद, माँ एक बार बोल झाड़ू पोछा जिंदाबाद, माँ एक बार बोल झाड़ू पोछा जिंदाबाद, माँ माँ एक, एक एक बार बोल दे माँ झाड़ू पोछा जिंदाबाद, झाड़ू पोछा जिंदाबाद। बस क्या है ना, मम्मी को ना झाड़ू पोछा करना बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब घर में जब देखिए तब एक दिन दो दिन भी गैप नहीं होगा, एक दिन में दो बार तीन बार चार बार झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। अब खाना कोई की नहीं दे, पानी कोई की नहीं दे, लेकिन झाड़ू जरूर मारी। हाँ और हमारे इधर भ्राता से भी मस्त सो रहे हैं बिंदास। निकलते हैं अब ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड ले लिया हूँ, फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी घर में, थोड़ा जल्दी कर दिया आज मैंने। और पता है भाई जब मार्केट मस्त रहता है ना तो काम करने में क्या ही मजा आता है। एक पहला कर लिया दोस्तों, आप लोगों के नाम स्लेवी रसन हो जाए, कुछ नमकीन हो जाए। तो कटलेट वगैरह बन चुका है, मिक्सी का तार लगाते हैं भाई फटाक से, और अब ना चटनी वगैरह पीसने का टाइम आ गया है, इन्वर्टर चार्ज में लगाना भूल गया था, जस्ट अभी तुरंत ही लगाया हूँ इन्वर्टर चार्ज में भाई। कल ना आज ना मैं मूंग चीरा लेके ना नहीं जा रहा हूँ, और भाई धनिया पत्ती देख रहे हो आप लोग, 1 किलो धनिया लेके आऊँ भाई कल फिर से, और ये धनिया ना पूरा 1 किलो ना आज डला ही जाएगा। क्यों डलाएगा, क्योंकि कल दुकान खुलना है ही नहीं, तो कल के लिए क्या ही रखूंगा भाई। ये रहा टमाटर आदि मिर्चा, और ये धनिया अभी धुलेगा, पहले पूरा सामान वगैरह ले आता हूँ। और सब्जी आज बनेगा फूल गोभी का, फूल गोभी का सब्जी, और प्याज भाजी अलग है यार, प्याज भाजी तो मेरे ख्याल से हो भी गया, ये देखिए। अच्छा से पकड़ना, वाह पानी दीपू, आलू का भुजिया, दाल चावल, एक जलसेमी बना था रात को, रात का जलसेमी है, और ये प्याज भाजी। चलिए खाते हैं फटाक से खाना। हो भाई चलिए निकलते हैं फटाक से दुकान लगा। गर्मियों का दिन आ गया भाई, आजकल ना सामान भी बहुत कम लेके जाता हूँ, मार्केट भी नहीं रहता है, और शनिवार है ना भाई, तो जहाँ से मैं सामान लेता हूँ ना दुकान ही नहीं खुल रहा था, तो मेरे को ना दोना पत्तल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, पूरा नहीं लाया हूँ, थोड़े मोड़े ही लाया हूँ, बाकी हरा दोना सबसे बेस्ट है, हरा दोना ही सबसे ज़्यादा चलाता हूँ।
और जहाँ मैं जाता हूँ दुकान में सामान लेने, दुकान ही खुलना नहीं था, इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को। तो क्या नाम है आपका? हाय करो, हाय हाय करो। नहीं, क्या नाम है आपका? अंश। अंश, हाय, मैं हाथ मिला। चाचू बेटा, हाय, पकड़े, एक मिनट पकड़े रहे। चलिए फटाक सामान वगैरह उतार लेते हम लोग। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस, आप लोग को लगा कि मैं चला गया, अपन ट्राईपोड ही वहां पर इसलिए लगाया था ना ब्रो, कि अपन वहां से ग्राउंड गुजर जाए, उसके बाद ट्राईपोड ठेले पे रखे। तैयारी 1 बजे हो गया था, मगर वीडियो पोस्ट वगैरह करना था, थंबनेल टाइटल, और रात को ना मैं कल बहुत थक गया था भाई, एडिटिंग करते करते सो गया, पता ही नहीं चला कब से। तो सुबह एडिट किया, काम छोड़ के उसी के चक्कर में ना आज मेरे को वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया, उसके लिए भाई सॉरी रहेगा, कल का सॉरी आज बोल रहा हूँ मैं। दो बज चुका है जस्ट, अभी दुकान वगैरह पूरा कंप्लीट लग गया भाई, अभी डाल रहा हूँ अभी कटलेट, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और पता है मतलब यहाँ मेन पार्ट महाउस तो होता है, यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है मेरे को अच्छे से याद नहीं है, कितना किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ ना पवन सिंह भी आने वाले, तो महाउत्सव जो होता है ना मेन पार्ट महाउत्सव वगैरह जो भी पड़ता है, पवन सिंह आने वाले, और वहाँ ना मेला वगैरह भी 2-3 दिन का लगता है, तो वहाँ जाऊँगा भाई, 1 दिन जाऊँगा या 2 दिन देखते हैं। आप लोगों को ना वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पता नहीं 14-15-16 ऐसी कुछ है, मेरे को टाइम है मतलब ना डेट कंफर्म नहीं, कंफर्म हो जाए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये करके बस हुआ और निकाला भाई, आज थोड़ा सा लेट हो गया दुकान लगाने में, 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान, लिट्टी वाला भाई साहब तो सुबह 10 बजे से ही लगा लेते हैं, और 1/4 दुकान वो अभी लगी रहा है, और फिर मेरा 5वां दुकान। तो आई होप दोस्तों कि हर दिन की तरह मेरा और आप लोगों का दिन काफ़ी अच्छा जाए। तो यार अब ना थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें चेंजिंग होंगी। वहाँ भाई कबूतर देख रहे हो आप लोग, सफेद वाला डब्बा के वहीं पास रख दे भैया, ला देखे भी रख दो वहीं, बराबर में रखा ना तो गिर जाए डब्बा, डबल बराबर मैंने कहा। नींबू डबल लगाने वाले आए थे भाई साहब, 15 मिनट हुआ, 15 मिनट में मैंने 3 कटलेट बेचा है और ये रहा 30 रुपये, मार्केट ही नहीं भाई क्या कर सकता हूँ, और उसमें से भी एक तो नोट ना मेरे को कोई फटा दे दिया, मैं ध्यान ही नहीं दिया, ये फटा हुआ है। चलिए चलते हैं अपन, एक सबसे पहले पानी का बोतल ले आते हैं, पूरा गला सूख रहा है मेरा, नुकसान है ओ भाई महाराज, एक तो पानी का बोतल दीजिए मेरे को, ये 10 रख दिया हूँ मैं, पहले आओ ग्राहक आएंगे तब एक साथ कीजिएगा, वहीं आराम से। महाराज का दुकान जस्ट आया है, अभी लगा ही रहे हैं, और मेरे को लग रहा है प्यास पानी जोड़ से, झाड़ू मारने के बाद भी ना भाई, देख रहे इतना झाड़ू मारा उसके बाद भी थोड़ा मोड़ा ना इधर। और एक दो भाई आज भी कॉमेंट किए हैं कि मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं तो ग्राहक लोग से इस टाइप से ऐसे बात कर रहे हैं, भाई मेरे दुकान में जितने कस्टमर भी आते हैं ना, हाँ भैया जी भैया, हाँ भैया जी भैया, इसके अदर कुछ भी नहीं भाई, बदनाम ही करना है भाई ना, तो ऐसे भी बदनाम मत करो यार दुकान के नाम पे भाई, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है भाई कुछ, इतना भी बदनाम मत किया करो, मतलब कुछ और मैटर कुछ और
मेरे को बोल रहे हो यार आपको भाई लेता भाई पूरा ढक दिया था ना अभी थोड़ा हवा वगैरह चल रहा था ना तो तेल वो सब कुछ ढक दिया था और ये कुछ कस्टमर आए हैं अभी जस्ट निकाल रहा हूँ अभी मुंगोड़ी क्योंकि एक जगह देना है एक प्लेट ही नहीं निकालूंगा थोड़ा ज़्यादा निकाल ले रहा हूँ बॉक्स हो सकता है कुछ और निकलते तक कोई कस्टमर हो सकता है निकलते तक एक आध दो कस्टमर और आ जाए। टाइमिंग 5:45 हुआ ना भीड़ लगा है ना मार्केटिंग हुआ है चलते मतलब हल्का फुल्का मेरा मुंगोड़ी निकला है बस मतलब 4-5 घंटे निकाला वैसे तो पार्सल चला गया और बाकी कर दिया भाई आज तो इतना ज़्यादा झेला ही हो रहा है मैं इकलौता नहीं हूँ पूरे चौपाटी में भाई। और ये देखिए फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ मुंगोड़ी लग कटलेट इधर एक ट्रे का भी बचा है 40 पीस के आसपास और नीचे का तो पूरा फुल ही है और पूरा का पूरा भाई सुनसान है मार्केट एकदम। क्या हाल चाल दीपक भैया आज कैसा लगा दिल आपका आज आपका दिल कैसा जोड़ों से धड़क रहा है अभी अभी पूरा रात बचा है बोल दो आज शनिवार रात को 10 बजे तक बेच के जाएंगे नहीं 11 बजे तक बेचेंगे जो होगा देखा जाएगा आज मैं भी 10 बजे तक रुकने के लिए तैयार हूँ आराम करना है कल पता है भाई आज मैं मुंगोड़ी भी थोड़े ही से लेके आया था ये देखो आप लोग और मूंग चिला बिना मैं इसी के चक्कर में नहीं कोई मार्केट नहीं भाई मेरा का किसी सुनसान है पूरा और कुछ कस्टमर भी आए थे भाई लोग चैनल सब्सक्राइब करके जा रहे हैं तू दो मत कर तू तीन कर वो 2-3 दिन से नहीं खोल रहा है यार चाय पीने का मन था लेकिन उन्होंने दुकान ही नहीं खोल रहे आप लोग डबल बोले सिंगल बोले एक सिंगल एक डबल और अब थोड़े मोड़े भीड़ लगे हैं भाई इधर भी लगे हैं इधर भी भीड़ लगे हैं और कर ले थोड़ा मोड़ा चलो भाई प्याज मीठा और इधर चल रहा है बच्चा पार्टी क्या दूं आपको कुछ नहीं हो गया पार्टी खत्म हो गया आप लोग का ये चल रहा है खा रहे हैं बस अच्छा खा रहे हो खाओ लोग दावेली पार्टी चल रहा है दावेली पार्टी और आप लोग का कटलेट पार्टी चल रहा है मैं एक कटलेट खोल रहा हूँ थोड़ा मीठा चटनी नारियल चटनी भाई मेरे को लग रहा है भूख टाइमिंग 8 बज गया है भाई भूख लग रहा है मेरे को एक पीस कटलेट खा लेता हूँ आराम से। ओ भाई और मेरे पास ज़्यादा भी कटलेट नहीं बचा है लगभग 30 पीस के आसपास और बचा है मार्केट सुलो था भाई धीरे 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 निकल रहा है जैसे भी निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है और 9-10 बजे भी जाऊँगा तो भी चलेगा आज क्योंकि भाई कल रेस्ट है ना तो दिक्कत नहीं है मैं तो क्या है ना जल्दी दुकान बढ़ाता हूँ तो दूसरे दिन की तैयारी करने लगता हूँ फटाफट से जाके। फाइनली भाई लगभग ना 9:20 हो रहा है सामान वगैरह ना पूरा पूरा फिनिश हो चुका है और चिल्ली चेयर वगैरह हम लोग रखते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं और दादा हैं चाउमीन खावो तो चेयर वगैरह चलिए हम लोग रखते हैं सामान वगैरह वैसे बचा नहीं अपने पास कुछ खाते भी नहीं अपने को भूख भी लग रहा है तो भाई डिस्को लाइट हो गया ऊपर से हिल रहा है इन्वर्टर में से ना और दीपक भैया एक पाँव बोला हूँ लेकिन दीपक भैया पाँव दे नहीं रहे हैं शेक है क्या पियो मैं भी आ रहा हूँ लेकर दो एक शेक मैं भी पीऊंगा मेरे को भी शेक पिला अपना पूरा माल खत्म हो चुका है भैया जी गलत नॉट बैड बहुत मुश्किल में मेरा सामान खत्म हुआ है ये बोलो बहुत मुश्किल में मेरा सामान पता है गाइस आज ना मेरा क्या मतलब कि आप मतलब पूरे चौपाटी में किसी का मार्केट नहीं था भाई ठीक है ज्यादा फुल मत करना थोड़ा सी डालना और थोड़ा कतरी भी डाल देना बस अभी इससे पहले भी एक बार मैं आया था भैया के पास शेक पीने तो भैया शेक तो मेरे को दिए थे लेकिन पता है शेक बना के तुरंत लेके आए थे तो शेक ठंडा नहीं था सही बोला नहीं है भैया जी ठंडा अरे यार कोई दिक्कत नहीं है चलेगा चलिए मारते हैं ठंडा लग रहा है उसके बाद भी कुछ ठंडा हो जाए
उस समय से तो बढ़िया, उस समय तो ठंडा ही नहीं था कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। धन्यवाद का यार। क्या हाल दादा? मजा माँ का पूरा बिक गया, और क्या बोलते हैं इसको, डोसा पूरा बिक गया, डोसा भी खत्म। तो चलिए अपन चलते हैं भाई फटाक से, अपना शेक के बाद पाव भाजी बोलाऊँ खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे घर। और भैया को मैं बोला यार मशरूम खिलाने के लिए, तो भैया मशरूम देवे नहीं किया मेरे को। है बचा है मशरूम? नहीं नहीं बचा मशरूम। क्या बचा है? सोया पनीर। सोया पनीर? पनीर नहीं, बस एक तो भजिया ले ले रहा हूँ मैं, बस एक ही खाऊंगा बस। दीपक भैया फटाक से मेरा पाव भाजी सेके दो। सामान वगैरह पूरा रख दिया है मैंने। लाइटें साला गोल हो गया इसमें रख दिया तुमने। बच गया गैस, गैस गैस रखने के लिए। पता नहीं भाई आज ना क्यों इतना ज़्यादा भूख लग रहा है। पाव भाजी निकल गया है, चलिए पाव भाजी खाते हैं अपन फटाक से। और सामान वगैरह फाइनली पूरा का पूरा मैंने ऊपर रख लिया है, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। सब खाने के बाद ना एक चीज़ बच गया यार, मतलब चाय उन्हें थोड़ा लोझा चल रहा है। हाँ भुजा, मतलब चखना अपना बच गया भाई। चखना खिला दो ब्रो मेरे को, भूज चखना भूज। क्या भूजी भैया? देख चना डाल देना, फली रहेगा, थोड़ा सा पापड़ी। नहीं चटनी नहीं यार, इतना तीखा खाएंगे तो दिल दरिया हो जाएगा फिर। दीपक भैया भी खाओगे ना? इंजन ऑयल कौन सा? मशीन ऑयल। मशीन ऑयल डालते मशीन वाला? नहीं बोतल, बोतल फ्रेश है, बोतल फ्रेश है। गाइस ये चटनी ना भाई बहुत ज्यादा तीखा होता है, जो कि भुजा में डालते हैं। सबसे पूछ लेता हूँ, छोटू लेगा तेरे लिए चटनी है? लेगा तो बता। मुरा रहेगा भैया? मुरा? मुरा मत डालना यार, मुरा डालेगा तो मजा कैसे आएगा यार, इतना तीखा है। दीपक भी आपका चटनी लेंगे क्या? टाइमिंग भाई अभी ना 10 बज रहा है, करेक्ट 10 बज रहा है। निकलते हैं अब घर की तरफ। ये रहा ट्रे और ये मेरा सामान वगैरह, और गाड़ी उधर उधर खड़ा है चौपाटी के पास। चलिए निकलते हैं अब। और मम्मी भैया लोग गए हैं बगल में ना, उनका हल्दी का कार्यक्रम वगैरह, तो खाना उना रहता है वहाँ, तो वहीं गया था मैं जस्ट। अभी चाबी वगैरह लेके आ गया हूँ, सामान वगैरह यहीं है। तो चलिए ताला खोलते हैं भाई, चलते हैं अंदर में आराम से, घर में कोई है ही नहीं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अरे यार पता है अभी ना रात के 1:30 बज रहे हैं, अब हम लोग मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।